ओके क्लास फाइव आज जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे जो हमने पोइम शुरू की हुई है मॉडर्न इंग्लिश की सोर ग्रेप्स उसके हम करेंगे शुरू क्वेश्चन आंसर्स ठीक है ओके okay. बुक uh, से जो है आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा और मैं आपको आंसर जो है इसकी पिक्चर भेज दूंगी ऑल ओके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर ए इज डिड द फॉक्स रियली वांट द ग्रेप्स तो आप इसका आंसर लिखेंगे येस yes. ठीक है उसके बाद नंबर टू बी इज आंसर क्वेश्चन नंबर बी इज़ व्हाट वाज़ सो एट्रैक्टिव अबाउट दी ग्रेप्स ग्रेप्स में मतलब क्या इतनी अट्रैक्शन थी कि uh, लोमड़ी जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ ठीक है क्या ख़ास बात थी कि लोमड़ी जो है ग्रेप्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो आंसर क्या होगा इसका द ग्रेप्स वर रिच राइप एंड पर्पल रेड ऑल ओके क्वेश्चन नंबर सी विच वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द ग्रेप्स इन द फर्स्ट वर्स विच वर्ड्स आर यूज इन द थर्ड वर्स वर्स, फर्स्ट टेंज़ा में फर्स्ट वर्स में ग्रेप्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं इन द फर्स्ट वर्स ये वाले वर्ड्स हैं लवली रिच राइप एंड पर्पल रेड ठीक है एंड वर्ड्स इन थर्ड वर्स मीन कॉमन एंड सोर ठीक है क्वेश्चन नंबर डी व्हाट इज द मॉरल लेसन दैट द पोएम अस मॉरल क्या है इस पोएम से हमें क्या क्या मॉरल मिलता है द मॉरल ऑफ द पोएम इज दैट इफ वी कैन नॉट अचीव समथिंग अगर हम जिंदगी में कोई चीज हासिल नहीं कर सकते तो हम क्या कहते हैं वी से दैट इट इज नॉट वर्थ अचीविंग वर्थ का मतलब होता है कि ये इस काबिल ही नहीं है के इसको अचीव किया जा सक सके ठीक है तो अगर हमें कोई चीज हम नई जिंदगी में अचीव कर सकते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये चीज उस काबिल ही नहीं है कि इसको हासिल किया जा सके ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर फिर डी के बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ई ठीक है ई क्या है वाई डू यू थिंक द फॉक्स कर्ल्ड हिज नोस लोमड़ी ने जो है क्यों अपनी नाक को कर्ल्ड किया था द फॉक्स इसका आंसर क्या है The fox curled his nose to show his dislike for the grapes. उसने अपनी नाक इसलिए चढ़ाई थी मतलब इतने गंदे गंदा समूह उसने इसलिए बनाया था क्योंकि जो है उसका grapes की तरफ dislike show करने के लिए कि उसको जो है grapes बहुत मतलब एक एकदम से बहुत बुरे लगे थे ना उसको क्योंकि वो उनको स्नैच ही नहीं कर पा रहा था तो टू शो हिज़ डिस लाइक फॉर द ग्रेप्स ऑल लाइट अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर ई के बाद आपने एफ़ नहीं अटैम्प्ट करना एफ़ नहीं आपने अटैम्प्ट करना और ये क्वेश्चन नंबर टू नहीं अटैम्प्ट करना यू गाइज़ विल गोइंग टू राइट डायरेक्ट यू गाइज विल डायरेक्टली गोइंग टू राइट द थर्ड वन ठीक है ये तीसरा वाला जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट पहले आप लोग ये लाइन ऊपर लिखेंगे ईगर ही ट्राइड टू स्नैच द फ्रूट उसके बाद आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ए ठीक है क्वेश्चन नंबर ए व्हाई वाज द फॉक्स ईगर इसका आंसर क्या होगा द फॉक्स वॉज ईगर बिकॉज द ग्रेप्स लुकड सो टेस्टी वो क्यों इतना ईगर था क्यों इतना एक्साइटेड हो गया था क्योंकि जो ग्रेप्स थे वो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे थे उसको तो वो एकदम से बहुत एक्साइटेड हो गया था उनको खाने के लिए ऑलराइट right. ओके क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाई वाज ही नॉट एबल टू रीच द फ्रूट इसका क्या आंसर होगा ही वाज नॉट एबल टू रीच द फ्रूट बिकॉज़ द वाइन वाइन क्या होती है ग्रेप प्लांट होता है ठीक है द वाइन वाज टू हाई जो ग्रेप प्लांट था वो बहुत ऊंचा था ओके लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे डिड हिज ओपिनियन ऑफ द फ्रूट चेंज उस फ्रूट को लेके उसका ओपिनियन किस तरह चेंज हुआ था तो इसका आंसर है फर्स्ट फर्स्ट ही वॉज ईगर टू स्नैच इट पहले वो बहुत एक्साइटेड था उसको तोड़ने के लिए देन ही सेट फ्रूट्स आर कॉमन एंड नॉट वर्थ हैविंग जब वो उन तक नहीं पहुंच सका तो उसने कहा कि ये फ्रूट्स तो बहुत कॉमन है मतलब बहुत आम सा फल है और इसको इस लाइक भी नहीं है कि मैं इसको खाऊं सो हिज ओपिनियन चेंज्ड फ्रॉम गुड टू बैड तो उसका ओपिनियन अच्छे ओपिनियन से वो उस ग्रेप्स को लेकर उसका ओपिनियन बुरा हो गया ठीक है ये वर्ड्स ये क्वेश्चन है अभी कितने क्वेश्चन हो गए आपके क्वेश्चन ए बी सी डी ई एफ और एफ आप नहीं करेंगे टू आप नहीं करेंगे फिर डायरेक्टली आप थ्री करेंगे पहले आप ये वाले स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद आप बाकी तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ठीक है तो टोटल ये आपकी हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट क्वेश्चन हैं ठीक है ये आप लोगों ने अपनी मॉडर्न इंग्लिश की कॉपी पे करने और इसके पिक्चर मुझे भेज देंगे ठीक है थीके? और इनशाला कल जो है फिर हम पढ़े आ, पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर एप्लीकेशन करेंगे सीख एप्लीकेशन ठीक है गुड लक